यार, आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर पार्क व्हील स्कार मेला जा रहे हैं, तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, तो आज हम यहाँ पर आए ये एक्सपो पे कार मेला, तो आइए चलते हैं, आपको का कार मेला जो है विजिट कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर है पार्किंग एरिया। और अभी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो हॉल नंबर 6 जो है लिखा हुआ, पर लग रहा है कि यहाँ सब जो है इसका बाहर ही जो है, यहाँ पर सब कुछ बाहर यहाँ पर हो रहा है, तो देखते हैं, आइए चलते हैं। हाँ भाई, सो गाइस, तो मैं अभी इस वक्त यहाँ पर एक्सपो की तरफ जो है जा रहे हैं, तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर कार मेला जो है वो सजा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ पर जो है हैं, यहाँ पर कार मेला जो है ये लगा हुआ है। यहाँ पर कार मेला जो है, तो कार मेला में मौजूद हूँ। चल, तो आइए चलते हैं और आपको विजिट कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर ये पुरानी होंडा जो है, होंडा एकॉर्ड किस जमाने की है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ देखें, तो और यहाँ पर ये पुरानी गाड़ियाँ जो है मौजूद हैं। क्या है निशान के, क्या रेट चल रहे हैं? निशान जो है, निशान डेज जो है वो आपको पड़ेगी यहाँ पर 24 लाख में, तकरीबन 25 लाख तक की है ये। और ये यहाँ पर जो है टोटा पासो जो है 2000, ये कब का मॉडल है, 2014 का मॉडल जो है 25 लाख, तकरीबन 25.5 लाख का। और यहाँ पर ये पुराना होंडा सिविक जो है 2015 मॉडल जो है 38 लाख है आपको। तो ये लगता है पेंट वेंट हुई हुई है शायद गाड़ी जो है यहाँ और आपकी यहाँ से वाली मेहरान जो है वो क्या है, वो 12 लाख में मिल जाएगी आपको। निसान ज्यूक जो है 2010 मॉडल, ये 28 लाख में मिल जाएगा भैया आपको, 28 लाख है। चुके हैं यहाँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ मेरे पीछे ये एक बहुत यूनिक सी जो है जीप यहाँ खड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं, तो इसकी देखते हैं डिमांड क्या है। ये टोयोटा यारिस जो है, अनरजिस्टर्ड जो है टोयोटा, ये देख सकते हैं, ये यारिस का जो है, ये अंदर का इंटीरियर यहाँ पर जो है, ये आपको ऑटोमेटिक, और इसकी सीटें जो है
और इसमें यहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर हैं, ये यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें पार्किंग सेंसर, ये सेंसर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है ऐसा, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मिलता है, और दूसरा यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं ना इस तरफ, चलते हैं, आइए चलते हैं। अब यहाँ पर वहाँ का विज़िट तो हमने कर लिया, अब हम ना इस तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। तो आइए मेरे साथ, तो अब यहाँ देखते हैं इधर से है या उस तरफ से रास्ता है, मैं रास्ता वहाँ से चलते हैं। यहाँ पर अल्टो जो है 2010 मॉडल जो है वो 10 लाख 75, 11 लाख का अल्टो को 11 लाख की मिल रही है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ जैसे सामने जो है वहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ थी, यहाँ पर अब जो है मैनेज बाय पार्क व्हील स्टॉक, यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। पर देखते हैं ये है पार्क व्हील स्टॉक जो है वो मौजूद है, क्रोला 86 जो है 7 लाख में मिल जाएगा। जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ओहो, ये देख सकते हैं ये ईवी जो है, ये कौन सा ईवी बाइक जो है यहाँ पर आई हुई है, ये देख सकते हैं ये ईवी बाइक जो है, ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी है, यहाँ पर देखते हैं ये ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटी। ईवी बाइक देख सकते हैं आप, ये ईवी जो है यहाँ से नेक्स्ट जेन वालों की यहाँ पर ईवी बाइक है। तो ये देख सकते हैं ये इनकी 3 लाख 70 का वेरिएंट है ये इनका, तो ये सबसे टॉप वेरिएंट है इनका। उसके बाद इसके अंदर 5 है सर, इसके अंदर 5 बैटरियां हैं, और अपना क्या नाम है 45 की इसकी टॉप स्पीड है, और 50 से 55 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके बाद ये जेंसी हमारी है, बहुत अच्छी बाइक है, ये चलती है 60 किलोमीटर इसकी रेंज है, 175 की है ये, और 2+ टायर है। जी सर, बैटरी रेंज ये 1 साल बैटरी की गारंटी है, 2 साल मोटर की, ये इससे साइकिल है, ये 60 चार्जिंग है, और बैटरी के एक साइकिल होते हैं जैसे लाइफ होती है, तो इसके 800 साइकिल है मतलब। तो एक बार आपने चार्ज किया और निकाला, एक साइकिल आपका खत्म हो गया, तो आप 365 दिन होते हैं साल में, तो आप 4-5 साल तो बैटरी का कोई टेंशन नहीं, तो फिर भी कोई मसला आ गया, एक ही बैटरी जिसमें ज़्यादा लोड होगा ना तो उस वही खत्म होगी, वो 9 से 10 हज़ार रुपये की बैटरी होती है। वो आपको हेल्पलाइन का नंबर देंगे आप, ये न्यू है सर। हाँ, वो बैटरी जो नवी आएगी ना, वो हमारा बंदा आएगा, वो बैटरी निकाल के दूसरी लगा के जाएगा, उसके 1 साल फिर से गिरेगा, जितने दिन बाइक है उतने दिन हम और हमारी कंपनी आपके साथ है। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं यहाँ पर ये हॉल नंबर 5 के सामने जो है, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो हैं वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये यहाँ पर लोकल जो हैं लोग जो हैं वो भी यहाँ पर, जो आप अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर ले आएँ और आप यहाँ पर ला कर जो है उसको तो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रस्टेड जो है पार्क व्हील वेरीफाइड जो है वो गाड़ियाँ भी मिलती हैं, और ये यहाँ पर जो है दूसरी, यहाँ पर लोग जो हैं अपनी गाड़ियों
प्राइवेट कार जो है वो भी यहाँ पर आकर सेल कर रहे होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं।